अपने पूर्वजों के सम्मान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक युवा किसान हरियाली बिखेर रहा है। करीब डेढ़ दशक पहले चंद पौधों से शुरू किया अभियान अब 5000 पेड़ों तक पहुंच गया है। नरकटियागंज और गौनाहा प्रखंड की सीमा पर विशम्बरापुर अवस्थित बाबू चंद्रदीप सिंह उद्यान की खासियत है कि यह फलदार छायादार और इमारती पेड़ों से भरा पड़ा है, जो बरबस सुंदर आबोहवा के लिए लोगों को आकर्षित करती है। नरकटियागंज के बरगजवा गांव निवासी युवा किसान विवेक कुमार सिंह की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। 2018 में उसके इस उद्यान में 2000 पौधे लगे थे, इसे आगे बढ़ाते हुए 5000 पौधे लगाया। आज वे पेड़ हो गए हैं। इनमें से सागवान, महोगनी, शीशम, आम, कटहल, बिलोर जैसे 8 किस्म के पेड़ उद्यान की शोभा बढ़ा रहे हैं। बता दें कि बाबू चंद्रदीप सिंह एक सामाजिक और संत प्रकृति के व्यक्ति थे, जिन्हें संतान नहीं था। उन्होंने अपनी संपत्ति भतीजा रणविजय सिंह उर्फ साहिब सिंह को सौंपी। बता दें कि रणविजय सिंह के पुत्र 30 वर्षीय विवेक कुमार सिंह पुणे से MBA किया, वहीं से LLB भी किया। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की, उसी समय यह अभियान शुरू किया। छुट्टियों में घर पहुंचना और पौधारोपण करना उनका एक सूत्री कार्य रहा, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने पूर्वजों के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हरियाली को अपना लक्ष्य बना लिया। अपने इस उद्यान में 5000 पेड़ तैयार कर दिया। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को यथासंभव हरियाली अभियान में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चंदन का वृक्ष लगाने के प्रति उत्सुक हूं, अगर विभाग मुहैया कराए तो चंदन भी लगाएंगे। 18 सालों से वृक्षारोपण में कर रहा हूं। लगभग मैंने 18 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया है, जिसमें मुख्य रूप से आम, सागवान, सेमर, शीशम, महोगनी, गमार, कटहल आदि के पौधे मैंने लगाया है। और सिर्फ उन्हें लगाया ही नहीं, एक टिशु के समान पाल पोस करके सिंचित करके बड़ा किया है, जो आज हरियाली भी खेल रहे हैं। और मुझे मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग वृक्षारोपण करें, ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। और ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर होता है, तो हमें अपने पूर्वजों को अगर सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करनी है तो हम वृक्षारोपण करें। और मैंने जो वृक्षारोपण किया है, जो एक उद्यान लगाया है, उसको मैं अपने दिवंगत दादा बाबू चंद्रदीप सिंह को समर्पित करता हूँ। मेरे तरफ से उनके लिए एक सच्ची श्रद्धासुमन और श्रद्धांजलि है।